झारखंड राज्य में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। जल्द राज्य में नियोजन नीति में बदलाव के साथ ही नियुक्तियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। जानकारी के अनुसार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने लैब असिस्टेंट और शिक्षकों की नियुक्ति के बाद अब जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति का विज्ञापन भी जारी कर दिया है। इस परीक्षा को झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 नाम दिया गया है, जिसमें कुल 1562 पदों पर उम्मीदवारों का चयन होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 मई 2023 से शुरू होगी, जो 24 जून 2023 तक चलेगी। विज्ञापन के अनुसार 26 जून 2023 तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदन के बाद 28 जून 2023 तक भरे हुए आवेदन की प्रिंट आउट उम्मीदवार ले सकेंगे। आवेदन में किसी तरह की गलती रह जाती है तो 29 जून से 1 जुलाई 2023 तक में उसमें सुधार किया जा सकता है। इसमें अभ्यर्थी अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर छोड़कर बदलाव कर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार जो नियुक्तियां होंगी वह अलग अलग विभागों में जूनियर इंजीनियर के पद पर होंगी या जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल होंगे। इसके ज्यादातर MBI, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर और पाइपलाइन इंस्पेक्टर जैसे पदों पर बहाली की जाएगी। नियोजन नीति में संशोधन के बाद जारी विज्ञापन में 10वीं से 12वीं झारखंड से पढ़े होने के बाध्यता को हटा दिया गया है। अब इसके लिए आवेदन किए जा सकते हैं, जिसके लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपए लिए जाएंगे। राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 50 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। वैसे उम्मीदवार जो निःशस्त हैं, उन्हें परीक्षा शुल्क में छूट दी जाएगी। क्या होगा परीक्षा का पैटर्न? इन पदों के लिए केवल मुख्य परीक्षा ली जाएगी। इसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय उत्तर देने होंगे। एक प्रश्न 3 अंक का होगा। हर सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। वहीं हर गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रश्न पत्र को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रखा गया है। प्रश्नों की कुल संख्या 120 रखी गई है, जिनके जवाब उम्मीदवारों को 2 घंटे में देने होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।